Namaste, I'm Javin Dr. Sapna Gehlot and my session is on controversy between a realist and idealist, yani adarshvad banam yathartvad, ek samanvadi drishtikon ya upagam. Idealism versus realism. ये एक विवादास्पद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवाद का दृष्टिकोण उपयुक्त है अथवा यथार्थवाद का. आदर्शवाद एवं यथार्थवाद में परस्पर विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु की जो केंद्र बिंदु है जो मेन पॉइंट है डैट इज शक्ति की समस्या द प्रॉब्लम ऑफ द पावर. यथार्थवादी शक्ति संघर्ष के स्थापित को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्य जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है. इसके विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति राजनीति को इतिहास का सिर्फ असामान्य या अस्थायी दौर समझता है. वह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कामना करता है जो शक्ति राजनीति अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो. इसकी धारणा विकसित हुई है कि यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां सार्थक राष्ट्रवाद और शांति विरोधी होती है और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां सार्थक अंतर्राष्ट्रीय और शांति की पक्षपोक्ष आप कह सकते हैं कि पक्षपोक्ष होती है. आदर्शवाद और यथार्थवाद के अधिवादी दृष्टिकोणों का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का जो मार्ग है वो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है. ये यथार्थवादियों के निराशवाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच का समन्वय का प्रश्न है. ये दोनों में से किसी में दृष्टिकोण को पूर्णतः संतोषजनक नहीं मानता. समन्वयवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है. उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को पूर्वग्रह या पूर्व मान्यता न रखने हुए विश्व की राजनीतिक गतिविधियों का तटस्थ भाव से पर्यवेक्षण कर तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए. क्विंस राइट जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जैसे विद्वान विदेश नीति के निर्माण में दोनों ही दृष्टिकोण को उपादेयता स्वीकार करते हैं, यथार्थवादी को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक मानते हैं जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है और आदर्श को इन दीर्घकालीन नीतियों को सूचक मानते हैं जिसका ध्येय भविष्य से पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों को सिद्धि करना होता है. आदर्शवाद पर अत्यधिक बल देने से निराशा का जन्म होता है और यथार्थवाद पर अटल विश्वास रखने से अक्सर यथास्थिति के पक्षपोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां जन्म लेती है. इसलिए एक ऐसी दर्शन की आवश्यकता महसूस की गई जो राजनीतिक यथार्थ की तथ्यमूलक अंतर्दृष्टि का नीतिशास्त्र और राजनीति आदर्शवाद के आदर्शों के साथ मेल करा सके. जॉर्ज हर्ज ने एक ऐसे दर्शन का ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया जिसे उसे काफ़ी सफलता मिली. इस दर्शन ने उसे एक रियलिस्टिक लिबरलिज्म भी कहा है, ये जिसे कि हम इन्हें यथार्थवादी उदारवाद भी कहा है यानी रियलिस्टिक लिबरलिज्म. ये दर्शन हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद की त्रुटियों से बचाता है. ये यथार्थवादियों के निराशवाद और आदर्शवादियों के बीच एक प्रकार का समन्वय करता है. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद होने वाली वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यथार्थवाद और आदर्शवाद के निकट आने की संभावनाएं बढ़ने लगी. आणविक शस्त्रों प्रक्षेपास्त्रों और नाना प्रकार के सामरिक शस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ से न केवल आदर्शवादी अपितु यथार्थवाद भी चिंतित होने लगे. अब ये महसूस किया जाने लगा कि सुरक्षा के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से आत्मघाती विश्वयुद्ध का खतरा पैदा हो सकता है. अब विश्व शांति अल्पकालीन उद्देश्य भी हैं और दीर्घकालीन उद्देश्य भी हैं और कोई भी यथार्थवादी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता. ठीक है, तो अब जनरल इनर्शियल में मैं बता सकते हैं कि आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में कि राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में जिन बातों पर विरोध है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वो है शक्ति की समस्या. दोनों में विरोध इस बात को लेकर है कि हमारी विदेश नीति और संबंधों का निर्णय राष्ट्र के हित के आधार पर होना चाहिए या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर. यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां राष्ट्रवादी और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय होती हैं.
यथार्थवादी का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए इनकी नीतियां शांति विरोधी समझनी जाने लगी। इसके विपरीत आदर्शवादियों की नीतियां शांति की पक्षपोषक मानी जाने लगी। यथार्थवाद को इन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक माना जाता है जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और आदर्शवाद को उन दीर्घकालीन नीतियों का सूचक जिनका ध्येय भविष्य से पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि करना।